या हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत बेहतर, जजाकअल्लाह। तो आप सिस्टम भी कह सकते हो, पेयर भी कह सकते हो। अब आपसे कहता है इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम का मतलब क्या है कि हम ले रहे हैं बेटे ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन, टू इक्वेशंस को हम सिस्टम या पेयर कहते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई हमें इसको इस पे हम अब करेंगे, इस पे हम ग्राफ बनाएंगे, इस पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पे हम सॉल्व करेंगे, और एक हमारे पास आएगा कंडीशंस कि भाई कंडीशंस भी रहेगी हमारी। तो हमारे पास क्या है बेटे, जैसा मैं आपसे कहूँ सिंपल, अच्छा देख लीजिए ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल्स टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी इक्वेशंस को, और मैं ज्यादातर ये सेकंड वाला ऑप्शन ही लिखूंगा, ठीक है। ज्यादातर हम सी को, जो हमारा कांस्टेंट होगा, उसे राइट साइड ही लिखेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास बेटे ये, मैं एक क्वेश्चन ले लूं सीधा सीधा सा, क्योंकि नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, हम दो टॉपिक आज इंशाल्लाह इस छोटी सी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मिथे, और टोटली नाइन पे बेस्ड है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। मैं इसमें से सिर्फ ये इक्वेशंस ले रहा हूं। इक्वेशंस मैंने क्या करा, इक्वेशंस ले लिए, हमारे पास इक्वेशंस हो गए x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो इक्वेशन। हम कह रहे हैं इसको सॉल्व करें। अब जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चे, अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास इक्वेशन है पहली वाली x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और मुझे इसको सॉल्व करना है नाइन्थ के एतबार से, और पहले हम ग्राफिकली ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करा करेंगे, आपको एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, बाकी सारे वेरिएबल्स को या नंबर्स को अलग साइड ले जाना है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमें सॉल्यूशन में भी काम आएगी। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फोर इधर जाके प्लस हो जाएगा, टू वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जब हम ग्राफ की वैल्यूज निकालते हैं, नाइन्थ में जिस तरह से निकालते थे, थोड़ा सा यहाँ सही कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो हमारे पास आएगा इसको हम सपोज कर सकते हैं, वैल्यू निकालना आसान होगा। मतलब अब अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटे कि इफ y इज इक्वल टू जीरो, तो आप सिंपली x की वैल्यू निकाल लोगे, फोर माइनस टू इंटू जीरो is zero, finally x is four. अगर मैं आपसे कह दूं y is one, तो x आप कह दोगे four minus two into one, two one जा two, four minus two is two. Minimum two values से line draw हो जाती है, but अच्छा है अगर आप तीन values ले लें, क्योंकि फिर आपका confirm हो जाता है कि मेरे answer सही आए हैं या गलत। आपने two ले लिया suppose करो, तो x is equals to four minus two into two, two two जा four होता है, four minus four zero होता है, ये मेरे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसकी टेबल आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारे पास टेबल, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y। आवाज आ रही ना सब बच्चों को, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। असल में मोबाइल नेट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे खुद डाउट है कि कनेक्टिविटी कैसी है, तो बीच बीच में प्लीज थोड़ा सा मुझे मैसेज करते रहिए कि हाँ आप लोग हैं और सुन पा रहे हैं। x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 0 है। प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा आप सब बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अक्सर, मेरे साथ तो होती है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। होता क्या है, राइट साइड में हम y को लेते हैं,
तो हम वाई को ही पुट करेंगे और हमारे पास फिर एक्स की वैल्यू आती है, लेकिन टेबल में पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे वाई इज इक्वल टू टू है, तो वाई इज इक्वल टू टू को हम रख देते हैं एक्स वाले कॉलम में, और हमारे पास एक्स आया था जीरो, एक्स की हम जीरो वैल्यू रख देते हैं वाई वाले कॉलम में, तो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्वेंस। तो ये थोड़े छोटे से एरर्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स जैसे आप बोलते हो, तो इनसे बचा कीजिए। वाई अगर पहले लिखना है तो वाई को ही पहले लिखिए, एक्स को फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखिए। तो ये हमारे पास आ गया पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन। मैं यहीं पे दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ इन द सेम फॉर्मेट, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। अब हमारे पास है 2x plus 4y minus 12 is equals to 0, ये हमारे पास है। सपना आज आदित्य तो है नहीं, फिर या तो अकेले कर लो तुम फिर। हाँ बस गफा मंजिल और उधर ओखला गया, चले जाओ पहले तुम जसोला, चले जाओ थोड़ी देर मेट्रो शाइन बाग की तरफ, चले जाओ जसोला से जाता हूँ सर। हाँ जसोला के गली गली जितने, हाँ कर लो इसे आज डिस्ट्रीब्यूशन कर बेहतर अकेले कर। तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चे, तो अगर हम फिर इधर ट्रांसफॉर्म करें 12 को ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 4y को ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अगर आप ऐसे समझ रहे हो 6 माइनस 2y, और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2y आ जाएगा। ये सब बच्चों को समझ में आया या नहीं? हाँ भाई, हमारे पास था 12 माइनस 4y, उस 12 से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इनसाइड रह गया 6 माइनस 2y, इधर हमारे पास था लेफ्ट 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2y। अगेन बेटे अब यहाँ डायरेक्ट रखते चले जाइए, y को अगर आप 0 लेंगे तो x हमारा 6 आ जाएगा, यस और नो? y को अगर आप 1 लेंगे तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, y को अगर आप 3 ले लीजिए चलिए तो 6 2 3 जा 6 6 माइनस 6 0, तो ये हमारे पास दूसरी टेबल आ जाएगी। अगर आपके पास दूसरी टेबल आएगी तो ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y, y हमारा है 0 कॉरेस्पॉन्डिंग x है 6, y हमारा है 1 कॉरेस्पॉन्डिंग x है 4, y हमारा है 3 कॉरेस्पॉन्डिंग x है 0, ये हम पास आ गई। अब जरा इसके ग्राफ आप लोगों ने, ये सिर्फ 9th पे भेज दिया इसलिए मैंने बता दिया कि कम से कम आपके चैप्टर का एक पार्ट तो अपने आप हो जाएगा, इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीखा है सिवाय इसके कि हम एक ही ग्राफ पे दो इक्वेशन या दो से ज्यादा इक्वेशन बनाएंगे। अब इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे बेटे तो आप लेते थे, आपको तो ग्राफ शीट मिलेगी, वैसे सीधी सी बात तो यह है कि आपके पास ग्राफ शीट होगी तो आपके लिए तो आसान है। तो ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और बेटे ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। प्लीज ध्यान ये रखना है कि जब आप कर रहे हो तो पहले एक ही इक्वेशन करना, एक ही लाइन करना, एक ही टेबल करना, बाद में दूसरे को करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहली वैल्यू लीजिए 40, तो अगर x हमारा 4 है तो यहाँ होगा 1 2 3 4, ये मेरा होगा 40, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। 0 का मतलब होता है आपको कहीं नहीं जाना, वहीं रहना। फिर आपके पास दूसरी वैल्यू है 20, ये देखो ये हमारे पास गड़बड़ है, 20 नहीं होगा, एक्स वाई 0 है, एक्स 4 है, वाई 1 है, एक्स 2 है, यस 2 के लिए 1 है, देखो ये अपना भी गलती निकल गई, तो y हमारा 1 है यहाँ 2 1, तो corresponding value 2 के लिए 1 आएगी, तो अगर ये मेरा 2 है तो 1 ऊपर चला जाएगा एक स्टेप, तो ये पॉइंट आ गया 2 1, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है 40। दूसरा हमारे पास है 0 2, x 0 है y 2 है, तो इसका मतलब यहाँ होगा ये 1 ये 2, तो यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा 0 2, x 0 y एक्सिस पे होता है, y 0 x एक्सिस पे, तो ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट का फायदा क्या होता है कि अगर तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इसका मतलब मेरे जो सॉल्यूशंस आए हैं पॉइंट आए हैं वो सही हैं। अगर कभी आप ग्राफ बना रहे हैं
और हुआ क्या कि बेटे दो पॉइंट तो एक लाइन पे आ रहे हैं मान लो, और तीसरा पॉइंट कहीं बाहर पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है। तो ये चेकिंग के लिए थ्री पॉइंट होते हैं। तो खैर हमारे पास ग्राफ आ गया, हम उसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं इसके ऊपर। इक्वेशन थी x प्लस टू आई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां आप इसका इक्वेशन भी लिख दीजिए, x टू आई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन का पॉइंट है सिक्स जीरो, ये था फोर देन फाइव देन सिक्स, तो ये सिक्स जीरो हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर है फोर वन, तो फोर पे वन आएगा, कहीं यहां होगा फोर वन, एंड फिर हमारे पास है जीरो थ्री, तो जीरो थ्री यहां कहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट अगर हम मिलाएंगे तो फिर हमारे पास एक लाइन जाएगी। कुछ ये इस तरह से लाइन हमारे पास आएगी। आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो एग्जैक्ट इस तरह से। और इसकी इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12। तो दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अवर टू लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ तो आपने बना दिया, उसने पहले ही कहा था अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, द टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड, रेल की पटरियां हैं तो पैरेलल लाइंस होती हैं, हमारा ग्राफ भी पैरेलल लाइंस आया। अब मुझे ये बताओ सब बच्चे, ग्राफ ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या आता है ग्राफ ड्रॉ करना? आता है सर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपसे कहता है इक्वेशन को सॉल्व करिए। मान लो ये इक्वेशन है 2x plus 4y minus 12 is equals to 0। तो होता क्या है, आपने सॉल्व किया तो उससे आपको पॉइंट्स मिले 0, 6, 4, 1, 0, 3, like this। मैं आपसे कह रहा हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन की, जो हमारी इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन है। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है x प्लस टू वाई माइनस 14, उस पे उसके जितने भी सॉल्यूशन है वो इस वाली लाइन पे पड़ते हैं। लेकिन जब बात आपसे करता है कि सिस्टम का सॉल्यूशन बताओ, तो सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब है मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों पे लाई करता हूं, which lie on both the lines। तो जब टू लाइंस का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप जब टू लाइंस की बात करेंगे, जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा तो बेटे हमेशा टू लाइंस आएंगे। लेकिन टू लाइंस के लिए थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। आपके पास एक तो ऐसा हो सकता है ये लाइन यहां से जा रही है और ये लाइन यहां से जा रही है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास टू इक्वेशंस होंगे और उनके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता चला कि यार ये तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास टू लाइंस हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज है बेटे कि दोनों के दोनों लाइन पैरेलल आ गए। जैसा अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। एंड तीसरा एंड लास्ट हो सकता है कि पहली लाइन का ग्राफ हम ड्रॉ करें और दूसरी का भी ग्राफ ड्रॉ करें, दोनों की इक्वेशन, दोनों की जो वो है ग्राफ है, दोनों का सेम आ जाए। तो ये हमारे पास कहलाते हैं पैरेलल लाइंस और ये हमारे पास कहलाता है लाइन कोइंसिडेंट लाइंस। बोथ द लाइंस आर सेम, ओवरलैप कर रही हैं लाइंस। तो फॉर टू लाइंस, फॉर टू इक्वेशन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तो ग्राफ से तो हमें पता चल जाता है अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि भाई किस ग्राफ में हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और किस ग्राफ में लाइंस कोइंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं कि कहां पे ऐसा हो रहा है। देखिए ये हमारे पास है, आप सब बच्चे देखिए हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनका ये टेबल बनेगी इनकी और फिर ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। आपको नजर आ रहा है? Yes, sir। ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट भी कहां कर रहा है, 4 2 पे। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो वेयर लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम।
सॉल्यूशन ऑफ द पेयर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे 4-2 इज द सॉल्यूशन, x 4 है y 2 है, लेकिन हमारे पास क्या होता है 4-2 लाइंस, जैसे ये हमारे पास है एग्जांपल ब्लू, ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, 2x plus 3y is equals to 9, 4x plus 6y is equals to 18. अच्छा होगा बेटे इन तीनों एग्जांपल्स को आप खुद करेंगे, एक हमने कर लिया, दो आप खुद कर लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने. तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए बेटे आप ये टेबल बनाएंगे, लेकिन लाइन एक ही आएगी. आप ये देखिए दोनों इक्वेशंस एक ही ग्राफ पे उसने मेंशन किया हुआ, ये हमारे पास है 4x plus 6y is equals to 18, और ये बेटे हमारे पास है 2x plus 3y is equals to 9. दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे, तो ये हम कहते हैं द लाइंस आर कोइंसिडेंट. अगर लाइंस, जब हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, तो वो दोनों का आंसर है, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन. लेकिन जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए एक ही लाइन आती है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो दोनों लाइन पे लाई करते हैं, इस केस को हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. एंड द थर्ड जो भी हमने किया कि मे बी पॉसिबल कि हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारे पास इक्वेशन थी तीसरे इक्वेशन की, इसकी एग्जाम्पल थ्री की, ये दो इक्वेशंस थी जो हमने अभी सॉल्व करके देखे, और उसका ग्राफ हमारा ये आया, तो लाइंस आ गई पैरेलल. तो अब हमारे पास क्या होगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो हम कहते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन. तो हमने आपसे क्या कहा है कि हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, फॉर टू इक्वेशंस फॉर ए सिस्टम देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. वन, इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है बेटे, तो हम कहेंगे इट इज यूनिक सॉल्यूशन. मतलब ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है. लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट. और अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो हम कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ये बस. अब होता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, होता यह है कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब तो हमें पता चल जाएगा. अगर ग्राफ ना ड्रॉ करें और हमारे पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हम पहले ही चेक कर लें कि किस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस में मैनी सॉल्यूशन होगा और किस में नो सॉल्यूशन होगा, ये अगर हम कर लें तो वो उसकी क्या पॉसिबिलिटी. अब मैं पहले एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप ग्राफ करेंगे तो एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. और मैं ये मैथ्स में तो होता ही है कि अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं है तो हम एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, लेट. तो मैं मैथ्स में ये सपोज करके चल रहा हूं कि आपको ग्राफ आता है, लेट यू नो द ग्राफ. अब ये सही है या गलत, ये कल नेक्स्ट क्लास में. अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या होगा बेटे, हमारे से कहेगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, सिस्टम का सॉल्यूशन बताओ. तो आप सिस्टम का सॉल्यूशन बता देंगे कि भाई हमारे पास ये पॉइंट है 4-2. तो आप देखते हैं अगर पॉइंट निकालना होता है कि ये x पे कहाँ कट कर रहा है और ये y पे कहाँ कट कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि x कितना है, y कितना है. तो आप कह सकते हो x is equals to 4, y is equals to 2 is the solution. आप ऐसे भी कह सकते हो बेटे, और आप प्लीज देखो ऐसे भी कह सकते हो, 4-2 is the solution. आप ऐसे भी कह सकते हो, x is equals to 4, y is equals to 2 is the solution, या 4-2 is the solution. आप दोनों वे में इसको लिख सकते हो. लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे ये कहता है बेटे कि आप जो हैं ये दो लाइंस जो है मेरे पास, आपसे कहता है शेड, ठीक है, द पोर्शन ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ग्राफ की हम बात करें, शेड द पोर्शन ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, एंड एक तो कह सकता है विद एक्स एक्सिस और एक कह सकता है विद वाई एक्सिस. आपसे ये भी कह सकता है फाइंड द वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. आपसे ये भी कह सकता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये अलग अलग एक ही क्वेश्चन पे इतने सारे क्वेश्चंस को पूछ सकता है. अब जरा आप प्लीज ध्यान से देखिए सारे बच्चे, बहुत इजी है कि भाई हमारे पास ये एक लाइन है और बेटे दूसरी लाइन हमारी ये है. और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x एक्सिस कहाँ है, तो सर x एक्सिस ये है. नजर आ रही है सबको,
यस सर। तो एक्स एक्सिस एंड दीज टू लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है अगर आप देखेंगे वो ये ट्राइंगल है, नजर आ गया सबको? तो अगर आपको शेड करने के लिए कह रहा है तो आप ऐसे शेड कर देंगे। अगर उसका नाम मैं बताऊं आपको तो इसको इन्होंने क्यू माना है, ये हमारा ओ है, इसको भी मान लो आर पी जो चाहे मान लो। तो अगर आपको वर्टिसेस बताने तो ओ हमारा आ जाएगा 0 0, क्यू हमारा आ जाएगा 4 2 और आर हमारा आ जाएगा 7 0 समथिंग। ठीक है, अगर आपको वाई एक्सिस के साथ लेना है कि दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस, तो क्या आपको नजर आ रहा है वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? Yes, एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सब तो नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है किसी को? Yes, मान लिया आप सब बच्चों को, मेरे पे गुस्सा आ रहा है कि सर संडे बर्बाद कर दिया आपने, लेकिन ये गुस्सा मैं भी आप पे कर सकता हूँ, मेरी भी संडे बर्बाद कर रहे हो आप लोग ना बोल के। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज, जब हम बैठे हैं दोनों एक दूसरे का टाइम बर्बाद करने के लिए। तो खैर, हमारे पास ये है बेटे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन लिया हुआ इस तरह का। खैर, अगर मुझे आपसे कह रहा है इसके भी अगर वर्टिसेस निकालने हो तो इसके भी वर्टिसेस निकाल सकते हैं। एक वर्टेक्स तो बेटे क्यू 4 2 इसी का है, एक वर्टेक्स ये होगा पी 0 5 और एक वर्टेक्स होगा 0 0, ये बस। लेकिन अगर एरिया निकालने के लिए कहे तो एरिया कैसे निकालो? ठीक है, तो हमें निकालना होता है बेस। तो बेटे ध्यान से देख लो, एक्स एक्सिस पे बेस क्या होगा? ये नीचे बेस होगा, 0 से 7 तक नहीं है, आप मेजर कर सकते हैं अगर 6.6 है 6.7 है तो ये हो गया मेरा बेस। और ये वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे ये कितना है कुछ बता सकता है मुझे? ये वाला पार्ट हाइट कितनी है? हाइट होती है वाई कोऑर्डिनेट, अगर आप देखोगे वाई कोऑर्डिनेट मेरा 2 है, और अगर इधर नजर नहीं आ रहा तो इधर लेफ्ट साइड देख लो तो के किसके इक्वल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये 2 के इक्वल है। तो हाइट मेरी हो गई 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल हाफ बेस इंटू हाइट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अगर हम इधर वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका बेस होगा ये 5 और हाइट होगी ये, ये हाइट कितनी है भाई? जितना नीचे है, नीचे कितना है? नीचे कितना है सर? 4। ठीक है, तो बेस हो गया 5, हाइट हो गई 4, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 5 × 4। इस तरह से आप ये ग्राफ वाला पोर्शन कर सकते हैं। यहां तक सही है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है जी, अब जरा देखो हमारे पास दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है वो समझ ले। असल में होता क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं कि बात करेगा सिस्टम की, सिस्टम में हम क्या करेंगे, a1x b1y = c1 and a2x b2y = c2। आपसे कहता है इसको सॉल्व करो। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इसको हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो। हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक हमारे पास है एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन, एक हमारे पास है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो बेटे ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन हमें चाहिए तो हम उसी इक्वेशंस का करेंगे जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है और मैनी सॉल्यूशन कब होता है वो देख लीजिए। हमें क्या करना होता है, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हमें क्या करना होता है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका रेशियो लेना होता है a1/a2, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये y के साथ इनका रेशो b1/b2, और बेटे ये जो कांस्टेंट है इनका रेशो c1/c2, इनको कंपेयर करना होता है। तो पहले हम सबसे पहले दोनों को, पहले वाले दोनों को कंपेयर करेंगे, a1/a2 और b1/b2, और इन दोनों में दो ही चीजें हो सकती हैं कि भाई या तो ये इक्वल नहीं होंगे या ये इक्वल होंगे।
ठीक है सर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, तो फिर हमारा सिस्टम पहला वाला हो जाएगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये बस, तो फिर हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो ये दोनों इक्वल आ गए, a1 upon a2 equals to b1 upon b2, फिर हम चेक करते हैं तीसरे को, जब ये इक्वल हो जाएंगे, भाई तीसरा भी चेक कर लो उसकी क्या कहानी है, and that is not equals to c1 upon c2. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तब हमारे पास lines आती हैं parallel, और हमारे पास होता है no solution, और इसको हम algebraically solve नहीं कर सकते, ये हमारे पास आती हैं intersecting lines, इसको हम solve कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है तीसरा, कि मान लो ये दो तो equal हो गए, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but अगर तीसरा भी equal है c1 upon c2, तब हम कहते हैं system has many solution, तो सबसे पहले तो ये है बेटे, अगर आप solve कर रहे हो तो आपको ये तीनों idea रखने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, हमने 9th में तीन चीजें करी, graph, solution and word problem, चौथी चीज ये condition है जो हम 10th में करेंगे, कि भाई हमारे पास कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिर्फ इन्हीं कंडीशन पे बेस्ड, आपके स्कूल एग्जाम में तो ये जरूर जरूर आएगा, ठीक है, बोर्ड में, क्योंकि चॉइसेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो बोर्ड में है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आए या ना आए, लेकिन एग्जाम्स के लिए तो ये 100% श्योर, तो ये हमारे पास इनको याद रखना है। अब जरा एक एक सॉल्यूशन वाला देख लें, जिससे कि आपका एक टॉपिक और हो जाए। आइए, तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि आपको सीधा सीधा सा ये चेक कराऊंगा कि सिस्टम में सॉल्यूशन कौन सा वाला है, यूनिक है, नो है या मैनिंग है, फिर हम सॉल्व करते हैं दो मेथड से, तीसरा मेथड अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके यहां से खत्म हो गया। ये चैप्टर हम नए वाले बैच में कल करेंगे इंशाल्लाह, तो जिस बच्चे को भी करनी होगी उसकी क्लास 4 बजे होती है, थोड़ा डिटेल में करेंगे, आज तो थोड़ा फास्ट ट्रैक में ही कर रहे हैं एक तरह से, जस्ट टू गिव द आइडिया, ठीक है, इन स्पीड कि ये हो क्या रहा है, अदरवाइज न्यू बैच में इंशाल्लाह 4 बजे क्लास होती है उसमें करेंगे इसको बहुत अच्छे से। अभी स्टार्ट ही होगा, उसमें 2 ही चैप्टर हुए हैं अभी, तो थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, तो किसी बच्चे का भी छुटा हुआ है, किसी को भी कंप्लीट करना है तो इसमें कर सकता है। देखो सर, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है, आप सब बच्चे पहले तो चेक करो कि हम क्या कर सकते हैं। आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सलाम अलैकुम, कैसे हैं, कैसे मिजाज है, माशाल्लाह से बैठिए। तो ये हमारे पास है, आपसे कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे पास सिस्टम है, ये जो हमारे पास सिस्टम है कैसा है वो आप समझ लीजिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आप ये चेक करेंगे a1 upon a2। a1 upon a2 क्या है सब बच्चे, ऐसे ही देख के बताओ, ठीक है। हमारे पास क्या है, चलो मैं पहले एक बार डिटेल में लिख देता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई is equals to 14, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, x minus y is equals to 4. आपको बेटे सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, just the number with the variables only. तो आप कंसीडर करो, मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि भाई अगर x के साथ यहां कुछ नहीं है तो इट मींस इट इज 1, y के साथ यहां नहीं है तो इट इज 1, ये तो 14 लिखा हुआ है, ये x के साथ हमारे पास 1 है, ये y के साथ हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो अब हम सिर्फ नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं। इसको भी मैं बताऊंगा। तो पहला वाला हमारे पास आ रहा है 1 upon 1, यस और नो, यस सर। अच्छा, दूसरा वाला हमारे पास आ रहा है 1 upon 1, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। अब वैसे तो ये हो गया माइनस में, तो फिर इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, यस सर। अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे थर्ड वाले को देखिए, सारे के सारे बच्चे प्लीज, A1 upon A2 कितना है? 1/3। अरे A1 upon A2 3/9 को पहले कितना है? 3/9।
3 by 9 कितना होता है? 1/3 है ना. अच्छा b1 upon b2 कितना है? 1/3 माइनस 1/3 माइनस 3 तो वो भी 1/3 है. और c1 upon c2 कितना है? वो भी 1/3 है. तो तीनों ही इक्वल हो गए. अगर तीनों इक्वल हो गए तो सिस्टम कौन सा हो गया? मैनी सॉल्यूशन. लाइंस कोइंसिडेंट ईच अदर. सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर आ रही है. एक बच्चे की आवाज आ रही है 12 बच्चों में से. यस सर आ रही है. इकरा आपको आ रही है बेटे? यस सर आ रही है. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है. आपसे कह रहा है सॉल्व करिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन. बस इतना ही लिख के आगे बढ़ जाएंगे. इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं. सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, दैट्स इट. चलो अब करते हैं दो क्वेश्चन, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन क्या है और एलिमिनेशन क्या है अब ये देख लेते हैं बस, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा मशरूम से. और मैंने आपसे कहा 4 ही पार्ट्स हैं, 1 ग्राफ, 2 ये जो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, 3 कंडीशन एंड 4 वर्ड प्रॉब्लम. और कल 4 बजे क्लास में रहिएगा इंशाल्लाह तो आपको समझ में आएगा. बेटा प्लीज सब बच्चे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये हमारे पास. मेरे वाले संगे मित्रा पहले सुना कर बेटे, मैंने कहा है 4 बजे फिर क्लास लूंगा. सर 4 बजे टेस्ट है. सर 4 बजे साइंस का टेस्ट है. 5 बजे कर लिए. चलिए इधर देखिए हमारे पास क्या है. ये हमारे पास इक्वेशंस हैं बेटे, बहुत सिंपल. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14. आज आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा संगे मित्रा जी, बेफिक्र है, चाहे किसी भी टाइम कराऊं. तो हम बेटे इसको लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. आपको क्या करना, जैसे मैंने ग्राफ किया था मैंने कहा था काम आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन. तो आप 1 वैल्यू को आप राइट साइड लाइए बेटे और 1 वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखिए. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेटे x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y. ये हमारे पास आया और इसको हम सेकंड थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट से कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट. आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 इक्वेशन मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर. तो जब आप इसको ऐसे रख लेंगे तो नाउ यू हैव x इन टर्म्स ऑफ y. अब x की अपनी कोई पहचान नहीं है बेटे, x की पहचान इन टर्म्स ऑफ y आ गई 14 माइनस y. और इसको हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट या हम कर देते हैं पुट. आपने जो वैल्यू निकाली है वो 1 से निकाली है तो अब आप इसको पुट करिए 2 में. तो अगर हम इसको पुट करते हैं, पुट इन 2, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट. We are substituting the value of x in terms of y. तो अब आपके पास क्या आएगा, ये जो x है इसको आप change कर रहे हो 14 minus y से. तो please देखो ध्यान से, आपकी value हो जाएगी 14 minus y minus y is equals to 4. Yes sir, no सब बच्चे बताओ. Yes sir. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 14 minus 2y is equals to 4. तो बेटे 2y इधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ. 14 माइनस 4 क्या होता है? 10. y is equals to कितना आएगा? 5. ये हमें पास आएगा. और जो y is equals to आया है उसको थर्ड में रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. पुट इन थर्ड. तो आपके पास आ गया x is equals to 14 माइनस 5 दैट इज 9. कुछ समझ में आया क्या, दोबारा से बताऊं? यस सर समझ आ गया. इकरा आ गया. इकरा ये आ गया बेटे आपको? इकरा यस सर आ गया सर. अब जरा मुझे बताओ इस वाले उसमें से कोई सा पार्ट पूछना है इस मेथड से, फिर मैं एलिमिनेशन मेथड और बताऊं. एनी पार्ट किसी भी बच्चे को सर. फिफ्थ पार्ट बताओ. कौन सा? फिफ्थ. वेरी गुड. चलो जी सब बच्चे देखो. यस और सर सब मजे में. रजी भाई कहाँ है, उन्हें मैसेज डाल दीजिए ना ग्रुप में. रजी भाई को मैसेज डाल दीजिए ना ग्रुप में, डाल दूँ मैं आ गया हूँ आपका.
रूम लेकर आ जाएंगे, कुछ खिलवाते हैं आपको। हाँ भाई हमारे पास, अब देखो जरा थोड़ा सा इसे डिटेल में करते हैं बच्चे। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास पहली इक्वेशन है अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हम करेंगे बेटे सपोज वन, यहीं से हम लेते हैं बस कि हम यहीं से स्टार्ट किया है सॉल्यूशन। और ये हमारे पास इक्वेशन रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। आप किसी भी एक इक्वेशन से, ठीक है, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए, किसी भी एक वेरिएबल से, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए और उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरे उसमें, मर्जी आपके आप किससे लें। लेकिन अगर यहाँ माइनस में है तो माइनस वाले से भी ले सकते हैं, जैसे सेकेंड इक्वेशन में माइनस में, जिससे भी आप चाहें। चलिए हम फर्स्ट से ले रहे हैं, तो हमने क्या किया फ्रॉम फर्स्ट, अगेन हमने वाई को राइट साइड ले गए, तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई। यस सर आवाज नहीं आ रही, जी बेटे आवाज आई, हेलो, यस सर, गुड। आइए देखिए इधर, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, कैसे हम वैल्यू ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आई है, मुझे ये बताइए जो x की वैल्यू ली है ये हमने कौन सी इक्वेशन से ली है। ये हमने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है इसको किस में प्लेस करेंगे, इक्वेशन वन जी, इसको टू में प्लेस करेंगे बेटे, इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। देखो जरा क्या आया हमारे पास, हमारे पास था अंडर रूट थ्री एक्स और एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं रूट थ्री बाई रूट टू वाई से, और हमारे पास है माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ गई सबको, एलसीएम क्या आएगा बेटे, रूट टू यस सर, और रूट थ्री, रूट थ्री क्या होता है थ्री, और रूट टू से एट को मल्टीप्लाई करो सिक्सटीन, रूट टू को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस सेवन, एंड जीरो अपॉन माइनस सेवन जीरो होता है। ये तो हमने एक घंटे पहले कहा था कि बंद किया, आपने बंद किया था, ऑन किया था, हुआ नहीं अभी भी, नहीं उसे रुक के करते हैं, मंद करो। तो y is equal to 0 upon minus 7, 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू को बेटे उठा के थर्ड में रख दीजिए, जो हमारी थर्ड आई थी, तो थर्ड वैल्यू ये है हमारी, तो आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई रूट टू इनपुट जीरो, तो x भी जीरो है y भी जीरो है। अब बताइएगा किसी बच्चे को कुछ समझना हो इसमें से, एक बार देख लीजिए, इकरा ये आता है बेटे, हाँ भाई इसमें से कुछ पूछना है, नो सर क्लियर है, गुड। अदनान तुम्हें समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, तूबा आपको समझ में आ रहा है,
सर हालत है। ठीक है, आलिया आ रहा है सर। साइम साइम समझ में आ रहा है? जोया जोया की तो आवाज ही नहीं आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तौहीद तौहीद आपको आवाज आ रही है? संगे मित्रा को तो आता है चैप्टर पूरा। चलो सर एक मेथड और सीख लो जरा। हमारे पास क्या है, हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और ये हमारा दूसरा मेथड होता है, बट ये इजीएस्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन से इजी होता है। सब्स्टिट्यूशन तो हम तभी यूज करते हैं अगर हमारे पास सिंगल एक्स वाई की वैल्यू हो, उसके साथ किसी से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। अब ये देखिए जरा हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली यही मेथड भी है विद इट, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं आपसे कहूं ये हमारे पास सेकेंड मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, आप सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से। एक्चुअली हम करते क्या है, हम करते हैं कि भाई जो एक्स वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर है उनको इक्वल कर दो सर, कैसे भी। अब इक्वेशन में कैसे भी का मतलब होता है कि भाई मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन में नंबर्स को इक्वल कर देते हैं। लेकिन आप चेक कर रहे होंगे इस इक्वेशन में एक्स के नंबर्स इक्वल हैं, और अदरवाइज अगर एक्स नहीं करते तो वाई को इक्वल कर दो, तो यहाँ वाई भी इक्वल है ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, जब हम इक्वल कर लेते हैं तो हमें करना क्या होता है वो सीख लीजिए बस। आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास फर्स्ट है, फिर हम इसके बाद दूसरी इक्वेशन करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करें। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, हमारे पास x और फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल है, लेकिन आप चेक कर रहे होंगे दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो ये दोनों प्लस में है, मुझे एक को कैंसिल करना है। तो ऐसे कैंसिल नहीं होता, कैंसिल होता है जब अपोजिट साइन हो। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 1-2। जैसे ही आप माइनस करोगे बेटे तो सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होता है माइनस, जो माइनस होता है प्लस, जो प्लस होता है माइनस, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि x आपके पास एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, कैंसिल हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, 14-4 10 आ जाएगा, तो y is equals to 5 आ जाएगा। ये देखो कितना सिंपलेस्ट है, easiest and simplest method। आया सर को समझ में? नहीं आया? अगर आपके पास y की वैल्यू आ गई तो आप इसे 1 में या 2 में कहीं पे भी रख दीजिए। मान लो 1 में रख दिया तो आपके पास क्या था, x plus 5 is equals to 14, तो x is equals to 9, ये आंसर। अब इसे दोबारा से देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x plus y is equals to 14, और हमारे पास क्या है x minus y is equals to 4। मैं इस बार चाह रहा हूं कि मैं y को करूं, लेकिन y को अगर आप चेक करेंगे दोनों अपोजिट साइन है, तो इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इस बार सीधा सीधा ऐड कर देते, क्योंकि ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो अब प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा बेटे, x और x 2x हो जाएगा, और 14 और 4 18 हो जाएगा, तो x is equals to 9 आएगा। अब अगर लेफ्ट साइड में देखोगे, हमारा x इधर लेफ्ट साइड में भी 9 ही आया था। इसको 1 में रखिए या 2 में रखिए, put in 1, तो 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 14, तो y इज इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास लेफ्ट में y 5 ही आया था। तो चॉइस आपकी, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें इस इक्वेशन में करना क्या होता है, या तो x को इक्वल करिए या y को, बस इतना सा करना है। कुछ समझ में आया क्या? अजी बोलो, समझ में आया क्या? हाँ भाई। यस सर आया। Yes, अब जरा देखो जो आपने अभी पूछा था, अब हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं इसी मेथड से जो मैंने आपको समझाया, फिर आप ना आराम से इसको प्रैक्टिस करिएगा। 4 बजे फिर मैं अवेलेबल रहूंगा, स्पेशली फॉर 10th, ठीक है? तो फिर आप जो भी डाउट्स पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये देखो बेटे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं,
मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप या तो x को इक्वल करिए या y को इक्वल करिए। ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास है सेकंड इक्वेशन। इक्वल करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एलसीएम होगा 6, तो फर्स्ट को भी 6 बनाइए और 2 को भी 6। तो करना क्या होगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट है तो आप रूट से ही करिए। तो प्लीज चेक कर लीजिए इक्वेशंस क्या होंगे, रूट 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, रूट 3 इंटू 0 इज 0, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, 8 2 जा 16 एंड 0। ये कुछ समझ में आया क्या सब बच्चों को? हाँ भाई, यस सर, ठीक है। अब बताओ कौन सा वाला टर्म हमारा सेम आ गया, एक्स सेम आया, दोनों के साइन, दोनों के साइन सेम है ये डिफरेंट है? सेम है, सेम के लिए क्या करना होता है, माइनस माइनस, क्योंकि मुझे एक अपोजिट साइन चाहिए जब ये कैंसिल हो पाएगा। तो आप बेटे माइनस कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अनुज सर को चाय नहीं पिलाई, पूछ कर चाय दे पिलाओ जल्दी से, ये कौन सा तरीका। तो 3 4 7, 7y = 0, y = 0/7, दूध वाली पिला भाई, चीनी हल्की रखना सर की। तो y = 0/7, इसको बेटे 1 में या 2 में रख दो, तो पुट इन 1, तो हमारे पास क्या आ गया, जैसा हमारी इक्वेशन है रूट 2x प्लस रूट 3y, y हो गया 0 = 0, तो रूट 3 इंटू 0 इज 0, ये भी 0, तो आपके पास आएगा बेटे रूट 2x = 0, x = 0/√2, तो 0/√2 0 ही होता है। अब बताओ मुझे ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई आया सर, तो ये आपका है एलिमिनेशन मेथड, पहला वाला था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन पूछना हो तो भी बता दो। तो आज तो छोटा सा इतना सा ही करना है, मैं अभी ये पीडीएफ भी डाल देता हूँ, यूट्यूब का लिंक भी डाल देता हूँ, और पूरा चैप्टर 3 तो पहले से ही सॉल्व है, यूट्यूब पे चेक कर लिया करो अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो। चैप्टर 7 के भी सारा चैप्टर सॉल्व हुआ हुआ है यूट्यूब पे, पूरी वो बनी हुई है उसकी क्या नाम प्लेलिस्ट। जी बेटे किसी को कुछ पूछना है? हाँ ना तो बोला करो। इकरा यस सर, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर 4 o'clock जो क्लास आप रोज कह रहे हो कि आपने चैप्टर 3 शुरू करा है, तो आप उसका लिंक डाल दिया करिए प्लीज। मैं तो रोज डालता हूँ बेटे लिंक सारे ग्रुप में, सारी क्लासेस का सबके साथ शेयर करता हूँ, कि जो भी कोई ज्वाइन करना है, कोई बच्चे ज्वाइन करते भी हैं, कल शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में भी। ओके सर, ठीक है बेटे। अब आप जरा ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं। ये देखो एक्सरसाइज 3.4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपल सिंपल वे हैं, एक्स वाई को इक्वल करके, अगर सेम साइन है तो माइनस, और अगर अपोजिट साइन है तो प्लस। कोशिश कर लेंगे सब बच्चे? यस सर। चलो जी, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है शाम में बीबीए की क्लास के बाद। सर कितने बजे? 4 बजे बोला है नालायक सिंह। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।